हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी में सरकार। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। बैठक में नाइट कर्फ्यू लगाने पर हो सकता है फैसला। सरकार ने फ्रंट लाइन के सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है, तो अब हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी प्रदेश में हो रही है, इस पर अब बड़ा फैसला लिया जा सकता है और प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। आपको बता दें, आज सीएम के साथ बैठक करेंगे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजकुमार शर्मा जुड़ चुके हैं। राजकुमार, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री लगातार सिग्नल दे रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब नाइट कर्फ्यू जैसा बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। जी बिल्कुल, ये दो दिन पहले भी जो है जो अनिल विज हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वे जो है मुख्यमंत्री से बैठक करेंगे और उसके बाद इसका फैसला लेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग जो है उसके कुछ लोग जो है इसमें चूक कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी जो कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे, भीड़ में जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, और संक्रमण जो बढ़ रहा है। अंबाला में भी देखा जाए तो रोजाना जो है कभी 160 कभी 183 केस आ रहे हैं, और पूरे हरियाणा की बात अगर की जाए तो 37,000 कोरोना सैंपल की जो टेस्टिंग रिपोर्ट है वो संदिग्ध मिली है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ रहे केसों से जो है निजात पाने के लिए अब एक नाइट कर्फ्यू ही बाकी बचा है, जिस कारण लोग जो है हो सकता है कि संक्रमण से बच सके। जी जी बिल्कुल राजकुमार, मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की मुलाकात होनी है, ऐसे में जाहिर तौर पर कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई बातों पर चर्चा होगी, तो नाइट कर्फ्यू जैसे बड़े फैसले का ऐलान आज हो सकता है। इसके अलावा और कानून में सख्ती, प्रशासनिक तौर पर सख्ती, मास्क लगाने को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, इस तरीके से बहुत ज्यादा सख्ती प्रदेश में नजर आ रही है इन दिनों। जी बिल्कुल, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं इसमें मंत्री का कहना है कि वो कम से कम 11 और लोगों को आगे संक्रमित कर रहे हैं, और ना तो वो घर में आइसोलेट होते हैं, ना ही वो किसी चीज की जो है वो उपेक्षा कर रहे हैं, और लगातार जो ये मामले बढ़ रहे हैं और जो कोरोना पॉजिटिव लोग भी जो है वो सारे अंबार घूम रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो आज मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, क्योंकि संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की मुलाकात है, और नाइट कर्फ्यू जैसा बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ले सकती है। हरियाणा में लगातार तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में जरूरी है सख्ती करना, तो ऐसे में नाइट कर्फ्यू प्रदेश में लगता है अगर, तो और प्रदेशों की तरह यहां पर भी अब ये समय देखना होगा कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक सरकार नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। लेकिन ऐसे में जो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का फैसला या और जो प्रदेश हैं कोरोना से प्रभावित, वहां पर नाइट कर्फ्यू का फैसला है, वो कितना कारगर साबित हो रहा है, और कहीं ना कहीं उन तमाम प्रदेशों के हालातों पर मंथन करते हुए जाहिर तौर पर हरियाणा में भी ये फैसला लिया जा सकता है।